Hello students, welcome to TSM Academy, and in this video series we are going to discuss one of the most important chapter of O level and IGCSE chemistry, which is known as stoichiometry or quantitative chemistry. और इसको हम generally ये भी कहते हैं कि मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. So what we shall study in this class? We will study what is mole, what is the relationship between mass and the moles, what is the relationship between moles and particles, what is the relationship between moles and volumes, which is related to gases. Also we will study the concept of molar concentration, the mole ratio, empirical formula, molecular formula, and in detail the concept of percentage yield and percentage purity. So let's start from understanding what is mole. A mole of a substance is the amount that contains the same number of units as the number of carbon atoms in 12 gram of carbon 12. Let me simplify it for you कि आप carbon 12 shows the isotope of carbon having atomic mass 12. carbon 12 के आप 12 ग्राम लें. इन 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम एक मोल कहेंगे. नंबर ऑफ़ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 उसको हम एक मोल कहेंगे. तो वो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं? कार्बन के 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इतने हैं 602 और आगे 21 ज़ीरोज़ हैं. दिस ह्यूज नंबर इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट. वी आल्सो कॉल इट एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाई Na. And it can be written as 6.02 into 10 raised power 23. It means that 1 mole of anything, of any atom or molecule or compound, contains 6.02 into 10 raised power 23 particles. Or we can say it as 6.02 into 10 raised power 23 particles of anything are equal to 1 mole of that object. अगर एक मोल है किसी चीज़ का तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे किसी चीज़ के, तो वो एक मोल होगा. इट इज़ दैट सिंपल. नेक्स्ट जो हम सबसे पहला रूल पढ़ेंगे, पहला फार्मूला, और उसी से रिलेटेड फिर हम एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स. कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास हमें गिवन हो तो उससे मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स गिवन हो तो उससे मास कैसे फाइंड करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है हम उसको देखेंगे. तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास. कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के मास गिवन है और आपसे पूछा हुआ है कि उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें, व्हाट यू विल डू इज़ कि आप उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम. तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे. इसी फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं कि अगर मास निकालना हो तो ये मोलर मास उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास. इस सिमिलरली इसी को रीअरेंज करके अगर मोलर मास निकालना हो तो हम लिख सकते हैं कि मास ओवर नंबर ऑफ़ मोल्स. तो इन तीन फार्मूलाज़ की मदद से आप क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो होंगे वो आप सोल्व कर सकते हैं. सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 5 ग्राम ऑफ NaCl? आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं. सोडियम क्लोराइड में एक कंपाउंड गिवन है, उसका मास गिवन है 5 ग्राम. तो हमारे पास हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम और मोलर मास. बट हमारे पास मोलर मास नहीं है सोडियम क्लोराइड का, तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaCl विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 होता है. तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल मोलर मास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का. अब नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप फार्मूला लिखेंगे मास इन ग्राम ओवर मोलर मास. मास इन ग्राम हमारे पास 5 ग्राम है, मोलर मास हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल है. तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे. इसका डिटेल सोल्यूशन अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. सबसे पहले आप स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मोलर मास आपने डिटरमाइन करना है NaCl का। वो कैसे करेंगे? आप सोडियम और क्लोरीन का मोलर मास को ऐड कर लेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 58.5। फिर आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास। वैल्यूज़ पुट करेंगे और 0.0855 मोल्स आ गए आपके पास NaCl के। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो, मास गिवन हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं।